गुड मॉर्निंग क्लास एट, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6, इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज एंड लेक्चर नंबर 1। प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ब्रिटिश इंडिया आए और उन्होंने अपना रूल जो है और अपना इन्फ्लुएंस जो है यहाँ के लोगों के ऊपर रखना शुरू कर दिया। इन्होंने जो भी पॉलिसी बनाई वो सेल्फ सेंटर्ड होके बनाई, ठीक है। यानी सेल्फ सेंटर्ड का मतलब इन्होंने वही पॉलिसी बनाई, वही रूल बनाए जिससे ब्रिटिशर्स को फायदा था केवल, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने किस तरीके से हमारे इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज को शोषण किया, उनका एक्सप्लॉइट किया और यहां से पैसा ले जाके इंग्लैंड के ट्रेजर में उन्होंने जमा किया। सबसे पहली जो चीज हमारे सामने आई है वो आती है ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन का मतलब किसी निकासी, किसी चीज को निकालना, और वेल्थ मीन्स आपका धन, धन की निकासी का सिद्धांत जिसे कहा। बिगिनिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बहुत सारा वेल्थ लेकर आती थी, इंडिया से चीजें खरीदती थी, फिर इंग्लैंड में आपको बेचने के लिए ले जाती थी या यूरोप में बेचती थी। लेकिन जैसे ही आपकी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें बंगाल का होल्ड मिला 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में हारने के बाद, उन्हें बंगाल का टैक्स या रेवेन्यू कलेक्शन का उन्हें राइट मिल गया। तो उससे इनकी जो अर्निंग हुई उसी अर्निंग का इन्होंने इस्तेमाल किया इंडिया से चीजें खरीदने के लिए। अब उन्हें अपना सिल्वर या गोल्ड का इन्वेस्टमेंट इंडिया से खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे, वो हमारे यहाँ से टैक्स लेते थे और उसी टैक्स से चीजें खरीदते थे, फिर इंग्लैंड ले जाते थे या यूरोप में बेचते थे और उससे बहुत सारा पैसा कमाते थे ये, ठीक है। और यहीं से शुरू हुआ कि भारत की वेल्थ का इस्तेमाल करना और फंड का ट्रांसफर करना। ये वो टाइम था जब दादा भाई नरोजी ने रिकॉग्नाइज किया कि इंडिया की गरीबी के पीछे का कारण जो है वो यही ड्रेन ऑफ वेल्थ है। उन्होंने कहा कि उनकी जो पॉवर्टी है इंडियन पीपल की, वो ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉयटेशन है, हमारे रिसोर्सेज का जो शोषण कर रहे हैं ये लोग और ड्रेन कर रहे हैं इंडिया की वेल्थ को, ब्रिटेन को भेज रहे हैं, इसी वजह से हम गरीब हो गए हैं। इंडिया के जो प्रोडक्ट थे और ट्रेजर थे वो इंग्लैंड के द्वारा ड्रेन करे गए और उसका हमें कोई रिटर्न नहीं मिला, और इसी वजह से इंडिया जो आपका क्या बन गया, यहाँ पर बहुत गरीबी हो गई और जो आपका फेमाइंस का लैंड हो गया। ड्रेन थ्योरी थी जो ये इंडिकेट कर रही थी कि नेशनलिस्ट जो लीडर थे, अब उन्हें समझ में आ गया था कि जो सिचुएशन है वो बिकॉज ऑफ द ड्रेन थ्योरी की वजह से उन्हें समझ में आ गया कि एक्सप्लॉयटेटिव जो नेचर है, आपका कैरेक्टर है ब्रिटिश रूल का, वो अब सबके सामने आ गया था। तो जो ड्रेन थ्योरी थी अब उसकी तरफ जो है आपके पीजेंट्स थे उनका ध्यान गया, तो बहुत सारे जो मूवमेंट चलाए गए उनमें स्लोगन जो था वो इस्तेमाल किया गया, नो ड्रेन द अर्ली हाफ ऑफ द 20th century। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने का जो मोनोपोलाइजेशन किया आपका ट्रेड का, वो आपका अकेला केवल मींस नहीं था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, बल्कि बहुत सारे दूसरे और तरीके थे जिस वजह से हमारी वेल्थ जो थी और हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। होम चार्जेस को इम्पोज कर दिया गया था कि कोई भी आपकी जो ड्यूटी थी वो इस पर लगनी ही लगनी थी। इंटरेस्ट और प्रॉफिट जो थे वो प्राइवेट फॉरेन कैपिटल पर, एक दूसरा तरीका था ड्रेन ऑफ वेल्थ का। हालांकि फॉरेन कैपिटलिस्ट जो थे वो लीस्ट इंडस्ट्रिक थे आपके इंडिया के में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर, फॉरेन बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग चार्जेस, मनी पेड टू द शिप कंपनीज, बैंक्स, ये सब जो थे आपके एक मींस थे, चैनल थे ड्रेन ऑफ वेल्थ का। ये जो फॉरेन कंपनीज थी नॉट ओनली ड्रेन द इंडियन रिसोर्सेज बट ऑल्सो इज डन द ग्रोथ ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर, जो हमारे यहाँ बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर थे, उनको भी इन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट किया था कि ताकि वो ग्रोथ ना कर सकें। अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में किस तरीके से अनौद्योगिकीकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ बहुत सारी कंट्रीज में, यूरोप में, ब्रिटेन में भी, ठीक है। सेम टाइम पर इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थी फ्लडेड द मार्केट ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज विद मशीन मेड गुड्स। इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले हुआ, मशीन से पहले इनके यहाँ सामान बना, तो इन्होंने क्या किया, उस सामान को एशिया और अफ्रीका के मार्केट में भेज दिया, ठीक है। इसी वजह से हमारा जो इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्री था उसकी ग्रोथ रुक गई, और जो प्रोसेस हुआ डिस्ट्रप्शन का, हमारे जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट और ट्रेड था, ठीक है, वो डिक्लाइन हो गया, जिससे हमारी नेशनल इनकम भी धीरे धीरे कम होने लगी, और इसी को हमने रेफर किया एज अ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब अगर हम बात करते हैं इंडियन क्राफ्ट की, इंडियन क्राफ्ट जो इंट्रोडक्शन मॉडर्न मेथड्स का हुआ, उससे पहले आपका दो तरीके से होता था।
पहले तो जो विलेज में काम करने वाले आर्टिशंस थे, जैसे आपके बुनकर थे, चुलाहे थे, वो मोटा कपड़ा बनाते थे, कारपेंटर थे या लोहार थे, वो आर्टिकल्स बनाते थे डोमेस्टिक पर्पज से, बर्तन अर्तन बनाया, कपड़ा बनाया। स्पेशलाइज क्राफ्टमैन जो टाउन में थे वो यूटिलिटी और लग्जरी गुड्स को बनाते थे, दोनों चीजों के लिए, डोमेस्टिक के लिए भी और इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी। जो प्रोडक्शन था कॉटन टेक्सटाइल का वो बहुत स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट था, यानी उसमें बहुत स्पेशल स्किल्स की जरूरत पड़ती थी। इसमें जो ढाका, बनारस, कृष्णानगर, लखनऊ, आगरा, मुल्तान, सूरत, अहमदाबाद, मदुरई, ये आपके चीफ एरिया थे। तो चीफ लग्जरी आइटम जो था कैलिको और मुस्लिन था। जो टेक्सटाइल थी प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ वूल एंड सिल्क, मेटल वर्क्स ऑफ आयरन एंड स्टील, कॉपर, ब्रास, गोल्ड एंड सिल्वर, इक्वली ये फेमस थे उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हुई, देयर वॉज अ बैलेंस इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन 17th century में बैलेंस रहा। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, खरीद के फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे और बेचते थे। तो इंडिया ने एक्सपोर्ट करा था लार्ज क्वांटिटी ऑफ सिल्क फैब्रिक, बहुत सारा यहाँ से सिल्क फैब्रिक, स्पाइस जाती थी, इंडिगो जाती थी, शुगर जाती थी, प्रीसियस स्टोन्स जाते थे। और इन एक्सचेंज में क्या होता था, इंडिया को मिलता था गोल्ड और सिल्वर। तो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली डिस्प्लेस्ड हो गया पेपर, डिस्प्लेस्ड पेपर एंड अदर स्पाइसेस टू बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद एशियन जो एक्सपोर्ट था वो वेस्ट को होने लगा, तो मार्केट एक्सपेंड हुआ ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल का, जिससे हमारी क्या हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो गई, जिसने क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट दिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन को। तो ये जो अनप्रेसिडेंट ग्रोथ हुई इंडियन टेक्सटाइल की, एक्सपोर्ट्स की, यूरोप को जो एक्सपोर्ट किया गया, तो यहाँ पर एक स्टेडी फ्लो ऑफ वेल्थ हो गया टू इंडियन, भारत की तरफ वेल्थ आने लगी फ्रॉम यूरोपियन नेशंस, एंड अ पॉजिटिव बैलेंस ऑफ द ट्रेड फॉर इंडिया। और ये हमारे लिए क्या था, एक पॉजिटिव बैलेंस था। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके okay?